स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नाखून और बाल काटने पर आखिर दर्द क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि नाखून और बालों को काटने पर दर्द नहीं होता क्योंकि ये मर्द कोशिका से बने होते हैं, लेकिन सिर्फ बड़े हुए नाखूनों को काटने पर दर्द नहीं होता है। जैसे ही हम त्वचा से सटे नाखूनों को काटने की कोशिश करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। त्वचा से सटे नाखूनों को काटने में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, वहीं बाल पूरी तरह मृत कोशिका से बने होते हैं और उनमें दर्द नहीं होता है। इसलिए जब भी बाल टूटते हैं तब भी हमको दर्द का जो है एहसास नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार की मर्द कोशिकाओं से बनते हैं। तो शरीर में बाल और नाखून मर्द कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मर्द कोशिकाएं निर्जीव प्रोटीन होती हैं जिसे हम कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं। इनके निर्जीव होने के कारण ही नाखून और बाल काटने पर दर्द नहीं होता है। कीरेटिन प्रोटीन की कमी होने से नाखून टूटने लगते हैं। शरीर में बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मृत कोशिकाएं निर्जीव प्रोटीन होती है जिसे हम कीरेटिन कहते हैं, और निर्जीव होने के कारण ही जो है हमें बाल और नाखून काटने पर जो है दर्द नहीं होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे प्राप्त होता है कीरेटिन प्रोटीन। तो सही पोषण न मिलने से बालों में सफ़ेदी, टूटना, रूसी और भी समस्याएं होने लगती हैं। इसमें एक बड़ा कारण कीरेटिन प्रोटीन होता है। कीरेटिन प्रोटीन शरीर में नाखून और बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसकी कमी से नाखून के टूटने की समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।